गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टू। बच्चों, हम हिंदी टू कर रहे थे और उसमें हम पार्ट पाँच कर रहे थे, क्रिकेट। ये पार्ट हमने पढ़ लिया था, एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया था आपको। आज हम इसका आगे देखते हैं, शब्द अर्थ। पेज 29, शब्द अर्थ। बैटिंग, बैटिंग मीन्स बल्ला चलाना, बैटिंग करना, बैट से खेलना, तो बल्लेबाजी। ठीक है, बैटिंग, बल्लेबाजी। आखिरी, अंतिम। ठीक है, चूर होना, ख़त्म होना, चूर होना, ख़त्म होना। बैट, बल्ला, बैट को हम हिंदी में बल्ला कहते हैं। क्रीज, विकेट के पास खींची रेखा, जो विकेट के पास एक लाइन खींची होती है उसे हम क्रीज बोलते हैं। जान, प्राण। ठीक है, आगे अब हम बढ़ते हैं, पेज 30। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो, प्रश्न उत्तर हम बाद में करेंगे, पहले हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं आज। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। अब ये जो दिया है, मैं बोला, ये आपकी कविता को आप देखेंगे तो उसमें ये सेकंड पैराग्राफ है, कविता का ये सेकंड पैराग्राफ है। मैं बोला, आगे डैश है, इसमें आएगा कप्तान बनूंगा। आप सेम बुक में से इसको कॉपी कर सकते हैं। मैं बोला कप्तान बनूंगा, डैश मैं ही करूंगा। क्या मैं करूंगा? बैटिंग पहले मैं ही करूंगा। मैं बोला कप्तान बनूंगा, बैटिंग पहले मैं ही करूंगा। मेरे हाथ में, डैश है, मेरे हाथ में बैट जो आया, मेरे हाथ में बैट जो आया, सचिन कपिल, डैश, को मज़ा चखाया, सचिन कपिल को मज़ा चखाया। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड एक्सरसाइज को देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरिए। अब शब्द दिए हुए हैं चार, बैटिंग, खिड़की, डंडा और बुखार। अब इन शब्दों से हमें भरना है। मुझे जब क्रिकेट का डैश चढ़ा, मुझे जब क्रिकेट का बुखार चढ़ा। ठीक है, सचिन बेचारा मेरी डैश देखकर डर गया, सचिन बेचारा मेरी बैटिंग देखकर डर गया, बैटिंग। थर्ड वाला है, गेंद डैश में जाकर लगी, गेंद खिड़की में जाकर लगी, खिड़की। मम्मी का डंडा पड़ते ही सारा बुखार उतर गया, मम्मी का डंडा पड़ते ही सारा बुखार उतर गया। तो फर्स्ट वाले में बुखार है, सेकंड में बैटिंग है, थर्ड में खिड़की और फोर्थ में डंडा। अब आगे देखें, पेज 31, भाषा बोध। भाषा बोध में क्या है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। ये आप लोग अपने आप कर सकते हैं। बनूं का दिया हुआ है, बनाऊं, बनाऊंगा, खेलूं, खेलूं, खेलूंगा, पढ़ूं, पढ़ूंगा, चखूं, चखूंगा। ठीक है, ऐसे ही उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। चढ़ना, उतरना, चढ़ना का उतरना, खेलूं, एक का अनेक, चढ़ना का उतरना, एक का अनेक, जीत का हार, जीत का हार, पहला का आखिरी, अंतिम भी हो सकता है, आखिरी भी हो सकता है, तो पहला का आखिरी। जाना, आना, जाना का आना, पास का दूर। अब नीचे देखेंगे थर्ड एक्सरसाइज। बच्चों, आप जानते हैं कि वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, एक संख्या की जानकारी देने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। जो शब्द हमें यह जानकारी देते हैं कि शब्द एक है, एक वचन में है, एक है, तो वो
एकवचन होता है। जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि शब्द एक से ज़्यादा हैं तो बहुवचन कहलाते हैं। एकवचन मतलब पुस्तक और बहुवचन पुस्तकें। एकवचन केला, बहुवचन केले। अब नीचे दिए हुए हैं शब्द, उसमें हमें एकवचन और बहुवचन भरने हैं। बल्ला बल्ले, टीम टीमें, बल्ला एक और बल्ले कई सारे बल्ले, टीम एक टीम टीमें, शीश का शीश ही रहेगा, शीश का चेंज नहीं होगा, शीश ही रहेगा। डंडा डंडे, गेंद गेंदें, कोशिश कोशिशें, कोशिश का कोशिशें। अब आगे टर्न करिए पेज 32। कविता में आए पांच संज्ञा शब्द लिखने हैं। कोई भी आप पांच संज्ञा शब्द लिख सकते हैं। नाम दिए हुए हैं, जैसे मैंने दिए सचिन है, कपिल है, क्रिकेट है, मम्मी है, बैट है, और भी कई सारे संज्ञा शब्द हैं, वो आपको इसमें पांच संज्ञा शब्द लिखने हैं। ठीक है, इतना काम आपको करना है और ये सारी एक्सरसाइजेज आपको कॉपी में करनी है। तो अब आज का आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क में एक्सरसाइज 2, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो, ये आपने बुक से ही करना है, तो इसको हम कॉपी में नहीं करेंगे। तो कॉपी में क्या करेंगे? एक्सरसाइज 3, पेज 30। उसके बाद भाषा बोध में उल्टे अर्थ वाले शब्द बहुवचन बनाइए। बस ये 3 संज्ञा शब्द भी कॉपी में नहीं करेंगे। तो कॉपी में क्या करना है? पेज 30 एक्सरसाइज 3, पेज 31 एक्सरसाइज 2 एंड पेज 31 एक्सरसाइज 3। बस ये 3 एक्सरसाइजेज आपको कॉपी में करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।